उसकी सजा जो है गवर्नमेंट के तरफ से सजाए मौत होना चाहिए। असद आवेजी साहब जो है हैदराबाद के सांसद है, उनका स्टेटमेंट अब तक आना चाहिए था मगर अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि पब्लिकली अगर कोई रेप करता है तो उसकी सजा ये है कि बीच चौराहे में उसको गाड़ दिया जाता है। और फांसी से कम कोई सजा ना हो और एक हफ्ते के अंदर अंदर हो। अगर अभी दूसरे कंट्री में ऐसा मामला हुआ होता तभी तो सड़क जो है चौराहे पे उनको फांसी दी होती, लेकिन यहाँ की संविधान बहुत लचर पचर है। अब ये डायरेक्टर कौन है ये तो नहीं पता, मगर उसकी बेटी को कंडम दे के घुमा बोलना साथ में, या उसकी वाइफ को कंडम दे के घुमा बोलना साथ में। जब तक ये रेपिस्ट को सजा नहीं होगी तब तक हम जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो अमरान उपोषण करेंगे, अनशन जो है जब तक हम मरते नहीं तब तक अनशन करेंगे। और प्रियंका रेड्डी को लेकर के कितनी संवेदना है, युवा है हमारे साथ और बहुत ही सक्रिय रहते हैं, तो बबलू भैया एक बात बता दो साफ सीधे शब्दों में कि जो आरोप लगा है आरोपी ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि मैंने आरोप किया है, तो सजा में देरी क्यों? यहाँ की जो है संविधान में ही ऐसे लचड़ पचड़ है। अगर अभी दूसरे कंट्री में ऐसा मामला हुआ होता तभी तो सड़क जो है चौराहे पे उनको फांसी दी होती, लेकिन यहाँ की संविधान बहुत लचड़ पचड़ है। अच्छा एक बात मैं कहूँगा कि जो जया बच्चन ने अपने सदन के अंदर आवाज़ उठाई है कि ऐसे लोगों को पूरे फुल समाज के सामने ला करके उनके साथ लिंचिंग की जानी चाहिए, उनको वहाँ पर दंडित किया जाना चाहिए, तो आप उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत सही कहा है, जब तक ऐसा कुछ होगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लोग ऐसे करते रहेंगे, छूट जाएंगे, फिर करेंगे, फिर छूट जाएंगे, उनके लिए ऐसा ही कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ऐसे लोगों पर बिल्कुल नहीं सुना जाएगा और इस पर बहुत कड़े से कड़ा कानून बनेगा और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को फांसी भी दी जाएगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं? और क्या फांसी देना ही उचित होगा, क्या फांसी देने से ये बलात्कार जैसी एक दरिंदगी इंसानियत वो रुक पाएगी? हाँ रुकेगी, बहुत रुकेगी भैया, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत से लोग गए जेल काटे छूट गए, लेकिन जब ऐसा होगा तो रुकेगी, लेकिन समाज के अंदर एक ऐसा खौफ होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट बना, उसमें 1000 रुपए का चालान कर दिया हेलमेट पर, तो सभी हेलमेट पहनना शुरू कर दिए। तो अगर जब से लेकर अब तक कितने हजारों रेप हो चुके हैं, अगर एक रेप पर भी इतनी बड़ी सजा दे दी गई होती तो हो सकता है इतने जो कह सकते हैं कि इतना घिनौना अपराध नहीं होते। नहीं होता। हर साल देख रहे हैं कोई न कोई ऐसा बड़ा, हर महीने हर साल हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। जब तक इतना बड़ा इनको सजा नहीं मिली इन लोगों को तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोग जेल जाएंगे, छूटेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, लोग सड़क पर उतरेंगे, होगा कुछ नहीं। एक बार तो सड़क पर उतरते हैं मोमबत्ती हाथ में होती है, तो घर वाले कब तक मोमबत्ती अपनी बेटियों को और बेटों को पकड़ाएंगे? तलवार ही सीधा क्यों नहीं पकड़ा दी जाती? यहाँ की संविधान नहीं भैया ऐसा है, जब तक कुछ ऐसा संविधान नहीं बनेगा उनको कड़ी सजा के लिए तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, पुतला फूकेंगे, हल्ला मचाएंगे, सदन में बोलेंगे, होना कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ संविधान में आएगा, कोई अध्यादेश आएगा, इनके लिए कुछ सजा की जाएगी, तभी कुछ होगा। दोस्तों हैदराबाद रेप एंड मर्डर केस में आफतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि लोग बाग सड़कों पर आके प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और कानून से उनकी कुछ मांगे हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करें उनकी क्या मांगे हैं और किन से मांगे। सर आपका नाम? हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी का जो मर्डर और रेप हुआ है उसकी सजा जो है गवर्नमेंट के तरफ से सजाए मौत होना चाहिए। ये रेप केस अगर निर्भया का जो दिल्ली में रेप हुआ था अगर फौरन फांसी दी जाती थी तो आज ये रेप होने के चांसेस बहुत कम रहते थे। आप देखेंगे जैसे कि अगर ये रेप अगर होता है, अगर आप तत्काल में पब्लिक प्लेस में अगर उसको लिंचिंग करके या ऐसा डर पब्लिक में बिठा के अगर उसकी मौत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रेप केस जो है कम होना चालू होंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि निर्भया का जो हुआ था यहाँ पे रेप दिल्ली में, वो टाइम पे पॉलिटिकल मुद्दा इतना उठा था कि जैसे सुष्मिता ईरानी ने ये तक कह दी थी कि चूड़ियाँ बेचने की जरूरत, चूड़ियाँ जो पहनने के हैं बंगड़िया
वो भेजना चाहिए। तो आज ये सुष्मिता ईरानी वगैरह किधर है, आज क्यों ये मोदी सरकार को चिड़िया भेजने की बात नहीं कर रहे? ये आसिफा रेप केस जब हुआ था तो उस पर ओवैसी जी ने बड़ी बयानबाजी की थी, पूरा हमारा बॉलीवुड भी उतर आया था, नसरुद्दीन शाह हो गए, शबाना आजमी हो गए, आज ये लोग कायम आपसे सवाल पूछना चाहते। नहीं, रेप जो हुआ है ये किसी धर्म की लड़की का नहीं हुआ है, रेप एक इंसानियत का हुआ है। आप अगर देखेंगे आसिफा हो या प्रियंका हो, आप जो बात बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। असद आवेजी साहब जो है हैदराबाद के सांसद है, उनका स्टेटमेंट अब तक आना चाहिए था मगर अभी तक क्यों नहीं आया ये मुझे भी नहीं पता। नहीं, उनका स्टेटमेंट आया है राम मंदिर को लेकर आया। नहीं, राम मंदिर पे स्टेटमेंट दे रहे ठीक है, मगर ये जो प्रियंका रेड्डी है इससे इस पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए और उनके घर वालों से जाके असद आवेजी अकबर आवेजी साहब ने मिलना चाहिए। ये अपर्णा सेन है, टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर हैं, इनका मानना ये है कि अपराधियों को फांसी देने से जो है वो क्राइम कम नहीं होगा, इसमें आपका क्या कहना है? फांसी देने से एक डर पैदा करना चाहिए। आप जाइए सऊदी में शरीयत का कानून है, वहाँ आप रेप केस देखेंगे नहीं, क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि पब्लिकली अगर कोई रेप करता है तो उसकी सज़ा ये है कि बीच चौराहे में उसको गाड़ दिया जाता है और पब्लिक इतने पत्थर मारती है जब तक वो मरेगा नहीं। ऐसी जब अगर यहाँ पे भी अगर सज़ा दी जाएगी तो एक जैसा आपके मीडिया के माध्यम से पूरा वायरल किया जाए वीडियो को, तो वो वीडियो देखने के बाद एक डर पैदा होगा, तो रेप रुकेंगे इस वजह से। जया बच्चन ने अभी हाल ही में संसद में एक बयान दिया है कि जितने भी क्रिमिनल हैं जो रेप केस में विक्टिम को सताते हैं या रेप करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, उन लोगों को सड़क पे लाके उनकी पब्लिक लिंचिंग होनी चाहिए, क्या सहमति देते हैं? सही बात है, लिंचिंग करना चाहिए, जब लिंचिंग होगी तो डर पैदा होगा ना। अभी ये देखा जाए तो ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यही सांसद यही जो MLA है ये खुद रेपिस्ट है ना। अगर ऐसे कानून अगर लाएंगे तो इनको भी डर है कि इनको भी फांसी देना पड़ेगा या लिंचिंग करना पड़ेगा, इस पर कानून इसलिए नहीं बन रहा है। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। जी ये बहुत गलत हुआ, ये इंसानियत शर्मसार हुआ, किसी ऐसे एक पार्टी से एक मजहब से देखना चाहिए। और ये अगर निर्भया कांड में पहले ही कानूनी कार्रवाई होती तो आज ये नौबत नहीं आवे थी, और उनके लिए फांसी से कम कोई सजा ना हो और वो जल्दी से जल्द हो, यानी इस बात को एक साल तक खींचा जाए इस मुकदमे को और बाद में बात ठंडा, बाद में जमानत हो जावे। तो मेरी गुजारिश है मोदी जी को इसमें बोलना चाहिए और सख्त कानून और फांसी से कम कोई सजा ना हो और एक हफ्ते के अंदर अंदर हो। ये एक धर्म से जोड़ा कि एक मुस्लिम इसने रेप किया, ये बहुत गलत बात है, कोई धर्म का इसका कुछ कंसर्न नहीं है। आप बोल रहे कि एक मुस्लिम आदमी ने किया वहाँ पे, जबकि तीन हिंदू भी थे। हम धर्म से नहीं जोड़ रहे, प्रियंका रेड्डी हमारी बहन है, रेप करने वाले हरामी है और ये जो है इनकी कोई जात नहीं है। जब इस्लाम ये बोलता है कि जब गुनाह करते हैं, जब रेप करते हैं तो वो इस्लाम में नहीं रहते, जब रेप करते हैं तो उसमें से ईमान ख़त्म हो जाता। हमारी भी ये डिमांड है, चारों को आप सजाए मौत दे रहे तो पहले हम बोलते कि मुस्लिम समाज से जोड़ रहे तो फिर पहले मुस्लिम को आप फांसी दीजिए, हमको कोई इससे लेना नहीं। पब्लिक लिंचिंग की बात करते फिर मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, जो अवार्ड वापसी वाले हैं वो आ जाते हैं प्रदर्शन करते। नहीं, मानवाधिकार वाले आएंगे, अब ये रेप केस तो रुकने वाले के, अगर मानवाधिकार ये सब चीज़ करते बैठेंगे लिंचिंग क्यों? तो ये इसलिए करना है क्योंकि पब्लिक को डर बिठाना है हमको। अगर प्रूफ होता है DNA नार्को टेस्ट अगर प्रूफ होता है कि चारों ने रेप किया है तो मैं बोलता हूँ कि आप जंतर मंतर पे ला के लिंचिंग करो या फिर हैदराबाद में चार मीनार पे करो, पब्लिकली होगा तो ही इफेक्ट कम होगा। एक साउथ के डायरेक्टर हैं डेनियल श्रवण, उनका बयान आया है कि लड़कियों को अपने पास कॉन्डम रखना चाहिए और अगर उनका रेप होता है तो वो रेपिस्ट को दे देना चाहिए और उसके साथ सहमति बनानी चाहिए। अब ये डायरेक्टर कौन है ये तो नहीं पता, मगर उसकी बेटी को कंडम दे के घुमा बोलना साथ में, या उसकी वाइफ को कंडम दे के घुमा बोलना साथ में, किसी भी माँ बहन। अभी किसी एक लेडीज ने कल भाषण में बोली कि वो खासदार के सांसद के और MLA की बेटी का रेप होना चाहिए, अरे वो लेडीज को समझना चाहिए, बेटी बेटी होती है, किसी सांसद की हो या MLA की हो, वो लड़की की इज्जत करना सीखो, एक लेडीज थी। ये स्टेटमेंट जो है गलत है और जो डायरेक्टर ने बोला वो उसने पहले फॉलो कर बोलना, उसकी वाइफ को उसकी बेटी को देके घूम बोलना फिर ऐसा है तो। देखिए जी, मैं मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ
कि जो हैदराबाद में केसेस हुए हैं और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत जगह ऐसे केसेस हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको जैसे हम लोग सरकार से ही बोलेंगे, हम लोग तो आम इंसान है, सरकार जो अंदर बैठी हुई उसी से बोलेंगे, लेकिन सरकार के लोग ही खुद बलात्कारी और रेपिस हैं वो लोग, तो इसलिए वो लोग कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहेंगे कि जैसे कानून बनाएंगे सारा संसद खाली होकर के सारे लोग जेल में भर जाएंगे, इसलिए वो लोग ऐसा कानून नहीं बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक उस रेपिस्ट को जब तक सजा नहीं मिलता है, हम लोग इंशाअल्लाह ताला यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपनी मांग को लेकर चलते रहेंगे। क्या लगता है बेटियों को अपनी सुरक्षा का जिम्मा बेड़ा खुद उठाना पड़ेगा? ज़रूरी है, बेटी को खुद सुरक्षा का बेड़ा उठाना चाहिए। अभी जैसा है, मगर यह हैवानियत जो है ये बहुत हो चुकी है, थोड़ा बहुत हमको भी संभल के रहना चाहिए। बात सही है कि लड़कियों को आज़ादी होना चाहिए, मगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे हरामी लोग रहते, वो जगह जाना भी नहीं चाहिए। ऐसी अगर अंधेरी जगह, ऐसी सुनसान जगह जहाँ डर है, वैसी जगह नहीं जाना। तो प्रशासन इतना मजबूत होना चाहिए ना, अपनी बेटियों को क्यों रोके? प्रशासन मजबूत नहीं है, इसलिए ही बोल रहा हूँ ना मैं ये सब चीज़। प्रशासन अगर मजबूत रहता था सऊदी में तो या प्रशासन को बोलिए, आप बेटी को कैसे बोलते? नहीं तो अभी क्या कर सकते? अगर प्रशासन उतना पावरफुल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? बेटी को किधर भी जाओ थोड़ी बोलेंगे। तो आप धरना कर रहे हैं तो आप उस चीज उस बिहाफ पे धरना कीजिए ना कि प्रशासन को सशक्त के आप बेटी को रोकने की बात। नहीं तो उस पर भी करेंगे, अभी क्या कर सकते हैं? अभी हम जो है आज जो एक ही मुद्दा लेके बैठे हैं, जब तक ये रेपिस्ट को सजा नहीं होंगे तब तक हम जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अमरान उपोषण करेंगे, अनशन जो है जब तक हम मरते नहीं तब तक अनशन करेंगे।